मैं जगतार सिंह कपूरी, जिला यमुनानगर हरियाणा, भारत, आज यहाँ पर टोका साहब में खड़े हैं। ये देखिए, इसके बाद प्रोग्राम बताते हैं आपको। ये बेअदबी का मामला है, उसके बारे में यहाँ हम इकट्ठे हुए हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे डिटेल, इसके बाद में बताते हैं आपको। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब देख रहे हो अपना ताल चैनल, जो कि 106 कंट्री के विच आप ये प्यार सबका हर चीज की इंफॉर्मेशन, सिख जथेबंदी दी, सिख कौम दी सुख दुख दी, हर चीज की खबर पहुंचाता। पिछले कई दिनों तो गुरुद्वारा श्री टोका साहब, जो कि हिमाचल बॉर्डर के उत्ते डिस्ट्रिक्ट सिरमौर तहसील नाम के विच है, और पिछले कई दिनों तो आप जी वेख रहे थे कि गुरुद्वारे घर के अंदर, गुरु घर के अंदर, जो छोटे साहबजादियों के दिन, शहीदी दिन की गल करिए, उस समय जी बेदबी की गई, नॉमीनेटिड मैंबर श्रोमणी अकाली दल, फिर उही दो चेहरे घेरे के विच ने, अकाली दल और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो दो चेहरे आज तुम देख रहे हो पूरे पंजाब की चेहरे ने, अब फिर हिमाचल की धरती से भी उही दो चेहरे दोबारा घेरे च आ गए, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और श्रोमणी अकाली दल का नॉमीनेटिड हिमाचल का मैंबर दलजीत सिंह भिंडर, जो कि इतने आते हैं, बेदबी करते हैं, मार कुटाई करते हैं, कैमरिया को तोड़ देते हैं, और फिर जो प्रबंधक वीर ने किसी की लत टुटी है, किसी की उंगलियां टुटी, आप जी ने सारा लाइव देखा। अज अठ तरीक न जी कि दिन रखा गया, संगत को कत्तर होने का, काफ़ी भारी संगत कत्तर हुई है, इस समय आपकी लाइव तस्वीर देख रहे हो हिमाचल की धरती तो, बड़े सारे जथेदार साहबान साढ़े न जुड़े ने, फतेह की सांझ पानी है। वाहेगुरु जी का खालसा, हरपाल सिंह जी देर आए दुरुस्त आए, थानू भी लेट याद आए, मगर शुक्र है आई, इस चीज़ की याद आई, कौम की, अपने सिख भरावान की याद आई, फिर भी धन्यवाद करते कि तुम इतने पहुंचे हो और आते मोर्चा सामने है। की लगता है कि अब सिरमौर जिते कांग्रेस के सिरमौर आगू है, बेनती है भी करनाड़े सारे पता ही है गुरुद्वारा श्री टोका साहब जो हुई, और जिमें अभी सिरमौर आगू आप भी मन रहे हो, सिरमौर आगू इन्होंने कही नहीं जा सकता, और उन्होंने संगत ने पिछले समय तो अपनी सारी ਖਾਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਸ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਭਗੌੜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਨੋਮੀਨੇਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿਨ, ਸੰਗਤ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋੜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈਸ ਆਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਵਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, SDM ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ, CM ਹਿਮਾਚਲ ਔਰ CM ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ 295A ਔਰ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 307 ਦੀ ਧਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਰਸੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ, ਔਰ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਥਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਭਿੰਡਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਫ੍ਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ
बेपती नहीं पता इत्थे आके सेवा दा की करनी उल्टा कब्जे दी मंशा तुसीं सारे जानदे हो इलाके आप जी भी अगर एसटीपीसी मेंबर रहे हो कि श्रोमणी अकाली दल या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की गल करते हैं श्रोमण जथेबंदियों की भी गल करते हैं किधरे ना किधरे जो सिख कौम उन्होंने सुप्रीम पावर मनती रही है अज तक हम धर्मी फौजी भाई जसपाल सिंह खड़े ने जिन्होंने 20 साल कैद भी कटी है जो 84 का अटैक होया सी और फौजियों के शामिल होकर बगावत करके आ गए उन्होंने चिट्ठी पाई श्रोमणी कमेटी हूँ तक वो कहते कोई जवाब ही नहीं है और वो तो मैं तो समझदा कि वो आप बल देंगे ने आप तैयार करके भेजते हैं तुम गुरद्वार साहबाना का इतिहास गुरुद्वारे जी के श्रोमणी कमेटी ने गुरद्वारे चल रहे ने उन्होंने नहीं उत्थे की दशा देखो हालात देखो वो भी एक किस्म का कब्जा ही है उन्होंने उतों के मैनेजर और उतों के सारे जो नुमाइंदे ने किवें दे हालात पैदा कर रहे हैं ये तुसी सारे संगत देख रही हो हिमाचल पुलिस हिमाचल पुलिस को असी मेमोरेंडम भी दिता है केवल एक धारा छोटी लगाई उन्होंने और वो भी उल्टा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ भी लगा दी और वो भी खत्म करनी चाहिए है कैंसल होनी चाहिए है और हुण तक उन्होंने सानू सहयोग उन्होंने गिरफ्तारी करने का नहीं दिता ना कोई 295 ए लगाई ना 307 लगाई और ना ही दुट भी लगाई 120 भी नहीं लगाई एक बिल्कुल सिंपल जी धारा लगा दिती वो भी बराबर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर के खिलाफ भी लगा दी जबकि चोटा इन्हों लगिया ने और अभी मंग करते हैं उन्होंने तो और एक हफ्ते का टाइम दिता है नहीं तो फिर मोर्चे लगावे धरने देंगे जे सिविल प्रशासन और हिमाचल पुलिस ने कोई सहयोग ना दिता अज जोर खड़े ने कोई घटना ना वापर जाए पर जरा लीगली सू हम तक कोई सहयोग सरदार बाजवा साहब जी ने जुड़े जो कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने जहाँ जिम्मे की गल की जा रही कि धरने और मोर्चे लगाए जाएंगे कि हूँ पंजाब वाला काम हरियाणा में शुरू हो जाए देखो वीर जी अज इतने बहुत संख्या के संगत इकट्ठी हुई सी जो संगत का राय मशवरा होया है उस हिसाब नाल अज फैसले ले गए आ कि अज जो स्थिति पंजाब दे विच इन्हां मतलब कुछ परिवारों ने बनाई हुई सी उन्हां दे जिहड़े अगे मैं तो रफ भाषा यूज करांगा इन्हां वास्ते जिहड़े उन्हां दे चमचे आ वो भी अगे इसे काम से तुल गए मतलब उन्होंने अपने गुरु धामां दा या गुरसिखी भरावां दा कोई ख्याल ही नहीं रहा इस गल्लां दा ये बड़ी मदभागी घटना हुई है और जो भी मतलब होया है ये वास्ते हूँ एरिए संगत जाग चुकी है इन्हों चमचों या जड़े अज बैठे आ इन्हों पिछे ढाण वास्ते संगत जाग चुकी है कोई गल नहीं इवें घटनावान पहल भी कई बार हो चुकी हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं गुरुद्वारा देखो इतने की जो कमेटी है असी मतलब कोई एक पक्ष की गल नहीं करनी असी अपने तौर पर भी इतने एरिए घूम के पूछा भी जी कमेटी है बहुत वधिया काम कर रही है ये कोई दो राय नहीं इतने एस जी पी सी का तो जो गुरुद्वारे है उन्होंने को भी जड़े जने इस गुरुद्वारे के तो आप ही चढ़ते इतने एस जी पी सी काबज नहीं होने देवे इतने भावना कुरबानियां भी देनिया पैन सूँ कोई गल नहीं लेकिन असी रैणू महंत वाला काम दोबारा हूँ हो नहीं देना जो कुछ होया आप हूँ इकट्ठा करने लगे हुए हैं हौली हौली करके जिते जिते है उत्थान भी आप चलते करा देखो जी इस टाइम जो हालात ने हरियाणा अवेयर है पर जो साडी कौम दे उत्ते काज अज दे महंत ने ਉਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਸੰਗਤ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਬਣੇ ਰਹੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰਟ ਅਕਾਲ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਜੀ ਨੂੰ 106 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾਸ ਵਿਨਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਸਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥਾ ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਕੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਥੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਮਾਰਪੀਟ ਹੋਈ ਥੀ ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਕੇ ਲੀਏ ਯਹਾਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਥੇ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਹੋਇਆ ਥਾ ਯਾਰ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਭੁੱਖ ਪੜੇ ਹਾਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ये टोका साहब जो है ये हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पे है ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ये और इसके बारे में रिव्यू भी दिया गया था यहाँ पे और ये भी वीडियो डाल दी जाएगी और इस चैनल को नेचर अराउंड अस -13 इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और देखने के लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।